महाराष्ट्र में सियासी संकट गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को उन्हीं के करीबी एकनाथ शिंदे ने तगड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में तूफान आ गया है और संजय राउत से लेकर ठाकरे तक अब सियासत को बचाने में जुट चुके हैं। महाराष्ट्र में सियासी भूचाल, संकट में उद्धव सरकार। शिंदे दिन दहाड़े उड़ा ले गए शिवसेना के विधायक। सूरत से बदल जाएगी महाराष्ट्र की तस्वीर। महाराष्ट्र की लड़ाई भी कुछ पेचीदा होती जा रही है। कहने को तो ये कुर्सी की लड़ाई है, लेकिन ये लड़ाई 2019 से चली आ रही है, तभी साथ रही बीजेपी और शिवसेना के बीच चुनाव के सीएम पद को लेकर ये लड़ाई चली, फिर शिवसेना के बीच शुरू हो गई। अब ये लड़ाई आर पार की हो गई है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने सीधे बागी रुख अपना लिया है, जिससे उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी खोने का डर सताने लगा है। शिवसेना के संकट मोचन कहे जाने वाले एकनाथ शिंदे ने खुद शिवसेना के लिए ही संकट खड़ा कर दिया है। शिंदे का राज्य की जिस कुर्सी पर बैठने का ख्वाब था, वो लगातार टूट रहा था, तो उन्होंने ख्वाब को ही पूरा करने के लिए बुलंद का झंडा लहरा दिया। कुर्सी का ड्रामा महाराष्ट्र में बड़ी तेजी से चल रहा है, जिससे MVA, NCP और कांग्रेस तीनों दल चौकन्ने हो गए हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे दिन दहाड़े ही शिवसेना के 20 से ज्यादा विधायकों को लेकर ही उड़ चुके हैं। अभी एक शिवसैनिक को सीएम बनाने का बयान देने वाले उद्धव आज खुद मझधार में फंस गए हैं। करीब 20 से ज्यादा विधायकों के साथ शिंदे गुजरात के सूरत के एक होटल में रुके हैं, जहां से उन्होंने शिवसेना को झटका देने का ऐलान किया है। तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत का कहना है कि कोई भूचाल नहीं आने वाला है। मला असं वाटत नाही, एकनाथ शिंदे हे कालपर्यंत आमच्याबरोबर होते, वेस्टर्न हॉटेलमध्ये होते, शिवसेनेचे उमेदवार विजयी व्हावेत दोन्ही, त्यासाठी ते सातत्यानं प्रयत्न करत होते, अनेक बाहेरच्या मतदारांशी संपर्क करत होते। एकनाथ शिंदे हे एक आमचे जीवाभावाचे सहकारी आहेत, कडवट निष्ठावंत शिवसैनिक आहेत, एवढंच मी सांगू शकतो। त्याच्यामुळे त्यांच्या बाबतीमध्ये आज जे काय बोललं जातं, जोपर्यंत त्यांचं आमचं बोलणं होत नाही, तोपर्यंत मी त्यांच्याविषयी कोणतेही विधान आणि भूमिका करणार नाही। राज्यसभा चुनाव हो या MLC चुनाव में बीजेपी ने गजब की सेंधमारी की है। अगर शिंदे बीजेपी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, तो आने वाले समय में शिवसेना और उद्धव को अपने सियासी संकट को बचाना काफी मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल ये देखना होगा कि शिंदे सूरत में बैठकर उद्धव ठाकरे का कौन सा खेल बिगाड़ने में कामयाब हो पाते हैं। चित्रा सिंह की रिपोर्ट, R9 न्यूज़।